नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। शुरुआत कर रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट से। जी हां, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी लगातार रणनीति बनाती नजर आ रही है, लगातार काम करती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी चल रही है। यानी कि सचिन पायलट को अगर उत्तर प्रदेश लाया जाता है तो बहुत बड़े हद तक इसका फर्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर वोटों को अपने साथ जोड़ सके। हालांकि ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर राकेश टिकैत का रुख कांग्रेस की तरफ होता है तो कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। अगर राकेश टिकैत कांग्रेस की तरफ नहीं आते तो ऐसे में सचिन पायलट पर दांव खेला जा सकता है। तो प्रियंका गांधी इस वक्त बहुत सोच समझकर काम कर रही है, और जो रणनीति इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है, प्रियंका गांधी की तरफ से बनाई जा रही है, इसका साफ मतलब यह है कि वाकई मौजूदा समय के अंदर कांग्रेस फूक फूक के कदम रख रही है, जिसका फायदा उन्हें आने वाले समय में जरूर मिल सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। Wow.